कुमार राठौर, आज घमासान.com के स्टूडियो में हमारे बीच में मिसेस ज्योति सुराणा, जो कि साकेत नगर बेस्ड हैं, आप वुमन एंटरप्रेन्योर हैं, इंटरनेशनल ट्रेवलर हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं। आज यूनियन बजट पर डिस्कशन करने के लिए स्पेशली हमारे बीच में हैं ज्योति मैम। जैसे आपने देखा, यूनियन बजट केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने प्रस्तुत किया लोकसभा में। इसमें केंद्र सरकार ने दावा किया कि ये जो बजट है मध्यम वर्गीय जनता के हित में है। इस बजट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीरज, मैंने ये बजट को पढ़ा है और मैंने देखा कि बजट में, चूंकि मैं ट्रैवलिंग भी करती हूँ तो मैं सारी चीजों को आंखों से भी देख रही थी, हमारे देश की उन्नति को। और जो बजट है उसमें जो सबसे पहली चीज बताई गई है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की कि घर, और हम घरों के लिए पैसा देंगे और घर बनवाएंगे। तो ये मैं सरकार की योजना से काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि काफ़ी जगह पे रोड्स हमारे बहुत अच्छे बने हैं, इलेक्ट्रिसिटी जगह जगह पे पहुँच गई है इंडिया के बहुत छोटी छोटी स्थानों पर, और स्कूल भी बन रहे हैं। साथ में हमारे यहाँ पर पानी भी बहुत जगह पर स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो चुकी है। दूसरी चीज आती है अब हमारे यहाँ पर पर्यावरण और स्कूल्स में पढ़ने की, तो ये नहीं बताया गया है कि अब वो स्कूल और एजुकेशन के ऊपर कितना खर्चा करेंगे, जो कि एक बहुत ज्यादा जरूरी इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, पर्यावरण जो आज की तारीख में बिगड़ रहा है उसके ऊपर सरकार ने ये नहीं बताया है कि उसके ऊपर वो कितना इन्वेस्टमेंट करेगी। तीसरा मेरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये हम सारा कहीं खुलासा नहीं है कि ये हम और कर्जा लेकर के कर रहे हैं ये खर्चा, या फिर हम अपने देश से ही पैसा निकाल करके और ये खर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन एक ये भी आता है कि हमारे पास में हमने जब बजट बनाया है तो क्या हमने अपने कर्ज को वापस से देने की भी कोई प्रावधान रखा है, क्योंकि जब तक देश का कर्जा कम नहीं होता है तो ये नहीं पता चलता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं या हमारी अच्छी इकोनॉमी अच्छी हो रही है। चौथी चीज ये कि हमारा जो गोल्ड का स्टॉक है वो कितना बढ़ रहा है। एक मेरे दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है, इकोनॉमी सॉलिड होना और वर्ल्ड में अपना स्थान रखने के लिए हमारा गोल्ड का लेवल कितना बढ़ रहा है, तो ये भी एक चीज बहुत क्लियरिटी चाहिए है। एक और में महंगाई की जहां तक बात है कि हमारा, उनका कहना है कि महंगाई का ग्राफ नीचे जा रहा है, तो मैं बहुत जगह घूम घूम करके देख रही हूँ तो मुझे ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि रियली चीजें सस्ती हो रही हैं। ऐसा मुझे कहीं अनुभव नहीं हुआ है कि कोई बहुत हमें ऐसे चौंकाने वाला सस्तापन आ गया हो कि जैसे ग्राफ कहा जा रहा है कि 10 पॉइंट से उठ करके जाके 4.6 पे आने वाला है या आ चुका है, तो ऐसा तो कहीं कुछ मुझे तो नहीं नजर आ रहा है। एक और चीज जो मुझे इस बजट में नहीं क्लियर हो रही है वो औरत वर्ग के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि औरत और बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण बजट में स्थान होना चाहिए, तो वो मुझे ये नहीं दिख रहा है कि वो उसमें क्या क्लियरिटी नहीं है। तीसरा, स्पोर्ट्स एक और है मेरे लिए कि आपने रक्षा का करा है, पर आज की तारीख में चूंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारी जो आप देख रहे बीमारियां घर कर रही हैं, फिजिकल प्रॉब्लम बहुत आ रही है, तो इसके लिए हमारे पास में जो है वो चाहिए स्पोर्ट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा आकर्षित किया जाए। तो ऐसा कुछ भी कोई ऐसा बजट में प्रावधान नहीं दिख रहा है कि जो ये इस चीज के ऊपर ध्यान दिया गया है। बाकी बजट काफी सेफ बजट है ये। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।